नमस्कार, मुजफ्फरपुर न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबरें। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार के डीजी गुप्तेश्वर पांडे ने संवाददाता सम्मेलन किया। नशा मुक्त रहे पूरा बिहार, इसके लिए अब अधिकारी भी मैदान में उतर आए हैं। शराबबंदी को कैसे सफल बनाया जाए, उसके लिए गुजरात से एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है। यूथ नेशन नाम की गुजराती संस्था बिहार में शराबबंदी में मदद करेगी। डीजी गुप्तेश्वर पांडे ने संवाददाता सम्मेलन कर ये जानकारी दी। नुक्कड़ सभा, 1100 मीटर की सारी और रैली के माध्यम से शराबबंदी के लिए ये रैली कराया जाएगा। रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं, एक मिशन निकालते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि 1100 मीटर की एक साड़ी, इन्होंने कहा हम वही काम यहाँ करेंगे, हम वही काम बिहार में करेंगे, हम बिहार में यूथ की मीटिंग करेंगे, हम बिहार में यूथ की रैली करेंगे, हम उसमें 1100 मीटर की साड़ी, एक साड़ी बनाएंगे जिस पर पूरा नशा मुक्ति का नशा मुक्त हो बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और भी नशा मुक्ति से संबंधित और शराबबंदी का उनको सफल बनाने के लिए जो पॉपुलर स्लोगन है उस स्लोगन को लिखेंगे। एक साड़ी 1100 मीटर की होगी और रोड पर उस साड़ी को लेकर के लोग चलेंगे जुलूस की शक्ल में। फिर जुलूस अंतिम में मीटिंग के रूप में तब्दील हो जाएगा। हम बड़ी एक मीटिंग भी करेंगे, स्कूलों में पेंटिंग का कार्यक्रम कराएंगे। इसके अलावा हमने कहा बिहार में हम मैराथन कराएंगे, उसमें हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बनाएंगे। हमारे बिहार सैनिक पुलिस के पास कोई इसके लिए फंड नहीं, मैं तो अकेला इस मुहिम को चला रहा हूँ। हमारे बिहार सैनिक पुलिस के लोग चला रहे हैं, हमारे अधिकारी चला रहे हैं, पुलिस के और भी कई अफसर अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन हम लोग इसके लिए कोई अलग से कोई फंड नहीं, उसकी मैं जरूरत भी नहीं समझता। इन्होंने कहा जिस तरह का आपको प्रोग्राम करना हो आप करिए, नेशन यूथ उसमें आपके साथ मिलकर के काम करे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MUZ न्यूज़।